नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के प्रसिद्ध भोजन के बारे में। भारत के बारे में कहा जाता है कि यह विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ की संस्कृति की एक अलग ही पहचान है। यहाँ की भाषा, बोलियों के साथ ही यहाँ के खान पान में भी बहुत अंतर है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार के प्रसिद्ध भोजन के बारे में। अगर आप कभी बिहार आए तो एक बार जरूर इन भोजन का आनंद ले। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात लिट्टी चोखा के बारे में। लिट्टी चोखा, बिहार में लिट्टी चोखा काफी प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा को बिहार में लोग बहुत ही प्यार से खाते हैं। लिट्टी चोखा नाम सुनते ही सीधे दिमाग में बिहार की याद आती है। बिहार के बाहर के लोग भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। बिहार के लोग जो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं, वहां भी लोग अपने इस डिश को बड़े प्रेम के साथ खाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं और यह आपके शरीर के लिए भी लाभदायक है। लिट्टी सत्तू से बनी होती है और इस कारण इसमें कैल्शियम, प्रोटीन जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही नहीं, सत्तू प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है। यह पेट से भी जुड़ी परेशानियों को ठीक करता है। इसे खाने से लिवर मजबूत होता है और एसिडिटी की समस्या दूर होती है। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के दौरान लिट्टी चोखा प्रचलन में आया। बाद में यह मगध साम्राज्य से देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला था। हम बात करेंगे दाल भात चोखा की। दाल भात चोखा सबसे आसानी से बनने वाला व्यंजन है। इसे सबसे ज्यादा बिहार में छात्र खाना पसंद करते हैं। यह बिहार में छात्रों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर घर से बाहर रहते हैं, ऐसे में उनके लिए सबसे सुलभ और सस्ता व्यंजन होता है। छात्र इस व्यंजन को अपने दूसरे कामों के साथ भी बना लेते हैं। इस व्यंजन को बनाने के लिए भी बहुत चीजों की जरूरत नहीं होती है, बस अपने पास दाल, चावल और आलू होना चाहिए। उसके बाद यह व्यंजन तैयार हो जाता है। आगे हम बात करेंगे खिचड़ी की। खिचड़ी का नाम सुनते ही जहां कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं कई लोग इससे मुंह सिकोड़ लेते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो खिचड़ी बस एक व्यंजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से दर्शाती है। यह खिचड़ी धर्म और संस्कृति का उदाहरण देती है। खिचड़ी को मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। खिचड़ी संस्कृत का शब्द चा से आया है। यह मिस्र का व्यंजन कुशारी से प्रेरित है, जिसे उन्होंने चावल और मूंग दाल से बनाने की बात कही है। लोक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा का आरंभ भगवान शिव ने किया था। देश के शहर बदलने के साथ खिचड़ी का स्वाद भी बदल जाता है। बिहार में कहा जाता है कि खिचड़ी के चार साथी है दही, पापड़ और घी अचार। भारत में खिचड़ी के नाम से मेला भी लगता है, जो भारत की संस्कृति को बखूबी दिखाता है। आगे हम बात करेंगे सत्तू की। चना, मकई और जौ को बालू में भुनने के बाद उसको आटा चक्की में पीस कर बनाए गए चूर्ण को सत्तू कहा जाता है। गर्मी के दिनों में सत्तू का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खासकर गांव के लोग सत्तू का सेवन भोजन के रूप में करते हैं। चने वाले सत्तू में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, मकई के सत्तू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इन दोनों सत्तू को एक साथ या फिर अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। चने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह लिवर के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। चने से सत्तू बनने के बाद उसका गुण भी बदल जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सत्तू गैस्ट्रोइंटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के लिए काफी कारगर होता है। इसका सेवन चीनी और घी के साथ करना ज्यादा फायदेमंद है। इसे गर्मी में खाने से लू नहीं लगती है। चने के सत्तू गर्मी में पेट की बीमारी और तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। आगे हम बात करेंगे सब्जी रोटी की। सब्जी रोटी बिहार में रात के समय खाया जाने वाला भोजन है। बिहार के ज्यादातर घरों में रात में सब्जी और रोटी बनती है। लोग इसे बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। मौसम बदलने के साथ ही लोग रात में सब्जी के साथ ही चटनी या चोखा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही धनिया की चटनी या फिर बैंगन का चोखा। तो इस समय लोग साग रोटी भी खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।